हेलो यार गाइस, तो स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज वापस एक बार मैं कमेंट्री करने वाला हूँ। मेरा पिछला वीडियो जिसने नहीं देखा, जिसमें इंडिया मेरी वजह से बुरी तरह से हारी थी, तो वो वीडियो भी जाके देख लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जब तक ये लोडिंग होता है भाई लोग, तब तक सबको बता देता, मैं इंस्टा, फेसबुक और डिस्कॉर्ड पे हमेशा एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, मेरे को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जल्दी से जाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो आज हम खेलने वाले वर्ल्ड क्रिकेट चैम्पियनशिप, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वंस फिर एक बार। और इस बार कुछ अलग खेलेंगे, मतलब मैं भी बहुत सारे मैचेस खेल चुका हूँ। मेरे को बताया अभी कि मेरे का मतलब कहाँ पे क्या करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे नो करने वाला हूँ। 2 ओवर्स की मैच रखेंगे। पिछली मैच में करा था 20 मिनट की मैच हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वापस से एक बार करेंगे, और यही पैटर्न लगता मेरे को इसमें। GPJ है, ओके, ग्रीन करता मैं। और रात की ये मैच बहुत सही लगती मेरे को, तो पेंड कॉइन कॉइन की अपने पास कोई यही नहीं है। और यहाँ पर GPJ बॉयज़ है, तो राहुल शर्मा का, रोहित शर्मा का दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। ओ, और अभी GPJ बॉयज़ का देखते हैं भाई। बॉयज़ क्यों दिख रहे हैं भाई? ओके चलो कोई नहीं, बॉयज़ देखो। और ऐसी हसीन शाम में होगी ये मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, लेट्स गो। और यहाँ पर मैच की शुरुआत करता हुआ भाई, लोडिंग हो रहा है। तब तक अगर मेरी कॉमेंट्री आपको पसंद ना आए तब भी लाइक करो, पसंद आए तब भी लाइक करो, और जल्दी से अगर नए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। और यहाँ पर मैच स्टार्ट होती हुई, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या मैच होने वाला है, और ये टॉस उछाला जाएगा। मैं बोलूँगा हेड्स, और इंडियन कैप्टन ने बोला हेड्स। हेड्स ने यहाँ पर बाली है, अंपायर कॉइन उठाने के जा रहा, छुट्टे उठा रहा है, और इसने बोला कि जीत चुके हैं भारत। और भारत ने इस बार बैटिंग लेने का फैसला, मैं बैटिंग लूँगा, चल बॉलिंग कर। और स्ट्राइक पे उतरेंगे GPJ बॉयज़, नॉन स्ट्राइक पे रोहित शर्मा। और ये हो गई मैच स्टार्ट। पाकिस्तानी फील्डर सब ग्राउंड में आते हुए फील्डिंग के लिए, अंपायर भी अंपायरिंग के लिए, और बैट्समैन आते हुए बैटिंग के लिए। तो एक खूबसूरत मज़ा आता हुआ यहाँ पर, बहुत खचाखच भरा हुआ है यहाँ पर ग्राउंड। और उसी के साथ GPJ बॉयज़ ऑन द स्ट्राइक, यहाँ पर ग्लव्स वगैरह ठीक कर रहे, शायद चोर बाजार से ख़रीद ले आए हैं। ओके, पिच को क्या देख रहा, कोई सीन नहीं। ओहो, राइट हैंड बैट्समैन भाई, मैं ऐसा तो नहीं दिखता भाई, मेरे को फेस चेंज करना पड़ेगा खुद का। रोहित शर्मा यहाँ पर आते हुए, ये भी पिच की खुदाई करते हुए। और यहाँ पर पहला बॉलर आता हुआ, राइट आर्म फास्ट। और पहली गेंद इस मैच की, देखते हैं क्या रोमांस होता है इस मैच का। और पहली गेंद हवा में, और 4 रन, बहुत ही खतरनाक वाले 4 रन मिलते हुए यहाँ पर इंडिया को। पहली गेंद से बिल्कुल हावी होना चाहते हैं पूरी टीम पे, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि रन बनाए। पिछले मैच में बहुत ही घटिया तरीके से मैच हारी थी पिछली, तो अभी देखते हैं क्या होता है अगले मैचेस में। और वहाँ पे फील्डर तैनात कर दिया गया है जहाँ पे पहली बाउंड्री लगी थी, और ये गया छक्का। आज कतई खतरनाक फॉर्म में है GPJ बॉयज़, 2 बॉल में 10 रन कर चुके हैं। मेरे को तो लग रहा आप वो डिस्कशन चला पाकिस्तान का, उसको डायरेक्टली आउट करने का, बॉल फुल टॉस मत डाल बोला। अभी जहाँ पे बॉल डाल रहा है वहाँ पे फील्डर लग रहा है, सो ट्राई करेंगे GPJ बॉयज़ के, और तेज़ मारे, और ये चौका मेरे भाई। आज इंडिया बिल्कुल ज़बरदस्त फॉर्म में है, ऐसा फॉर्म मैंने आज तक नहीं देखा टीम इंडिया का। आप देखिए ये चौका, देखिए आप एक बार भाई, गेंद आया डाला और उसी तरह से उसे पहाड़ भेज दिया बिल्कुल, क्या ही सीन। ज़बरदस्त तरीके से एंट्री करती हुई इंडिया अपने इस टूर्नामेंट में, बहुत ही ज़बरदस्त। और एक मैच होने वाली है अगली, जिसमें पता चलेगा कौन है असली मर्द। और एक चौका लगता हुआ, बहुत सही वाला, बिल्कुल चौका छक्का होता हुआ, पूरा इन्जॉयमेंट होता हुआ इस मैच का, बहुत ही जहर। तो मेरे को अभी ज़्यादा वक्त नहीं स्पेंड करना आपका, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर आपको ये स्किप वाला सीन मेरा पसंद नहीं है तो मेरे को बता देना, अगले मैच में मैं पूरा बिल्कुल बिना स्किप वाला वीडियो बना दूंगा। ओके, और ये विकेट निकलती हुई, ये विकेट निकलती हुई, ये दुखद विकेट है GPJ बॉयज़ की। बहुत सही खेल रहे थे बंदे। अभी GPJ बॉयज़ घर जाते हुए, खाना वाना खाएंगे, वापस आएंगे। अभी रोहित शर्मा आए हैं, विराट कोहली स्ट्राइक पर रहेंगे मेरे ख्याल से, और विराट कोहली ट्राई करेंगे कि उनका बेस्ट दे। और ये फुल किया है, पुल किया हुआ बॉल फील्डर के पास जाता हुआ, और 1 रन निकलता हुआ। रनों की रफ्तार धीमी होती हुई, 19 रन आ चुके 1 ओवर से, बहुत सही वाली चल रही थी।
बैटिंग जब तक जीपीजे बॉयज थे, अभी है विराट कोहली। ओ विराट कोहली को संभल के खेलना चाहिए, क्योंकि ये कोई गली क्रिकेट नहीं है, ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। वापस जाएंगे तो बहुत गालियाँ खाएंगे। और ये 4 रन, 6 या 4 है भाई, 4 रन देते हुए रिव्यू लेना चाहिए था छक्का चौका के बारे में, लेकिन कोई बात नहीं, चौका मिला बहुत बड़ी बात है। फिर एक बार ट्राई करेंगे, बढ़िया गेंद और बॉल छूट गया यहाँ पर। एक एक गेंद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मैच में, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चौका तो नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन फील्डर के पास गेंद ज़रूर जाएगी। और एक रन निकाल लिया है रोहित शर्मा ऑन स्ट्राइक। देखते हैं, 4 गेंद हो चुके हैं, 2 गेंद में क्या कर सकते हैं रोहित शर्मा, वो भी अपना बेस्ट देने का। भाई नो बॉल आता हुआ यहाँ पर, ये इंडिया के लिए खुशी की बात है। जो बॉल गेंद रोहित शर्मा ने मिस कर दी थी वो उनको वापस मिल गई है, और अभी वो अपना क्लास गेम प्ले दिखाने के स्टाइल में आए हैं। ओ मिस होता हुआ यहाँ पर बॉल, नो बॉल मिस कर दिया है यहाँ पर रोहित शर्मा ने। और ये गेंद आती हुई, ये हवा में गई है, रन भाग रहे हैं फील्डर, रन आउट हो चुके हैं यहाँ पर आखिरी गेंद पे। और इसी तरह से टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है। चलो यहाँ पर कोई नहीं, रोते नहीं है, ऐसे रोते नहीं रोहित शर्मा, चल 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 घर जा। ओके 25 रन 2 ओवर में, अभी 25 रन डिफेंड करने हैं टीम को। पाकिस्तानी बल्लेबाज आते हुए यहाँ पर ग्राउंड में अपनी पूरी ताकत लगाते हुए, पहले मैच बहुत ही सही खेली इन्होंने, और अभी दूसरे मैच में ट्राई करेंगे कि इससे अच्छा खेलें। जीपीजे बॉयज़ को यहाँ पर दी गई है बॉलिंग, और यहाँ पर फिर एक बार माफ़ी चाहूँगा, गेंदबाज को थोड़ा टाइम चाहिए था। और स्विंग करते हुए बॉल को ट्राई कर रहे कि यॉर्कर डाले, पहली गेंद यॉर्कर डालने की कोशिश की है, और ये रन निकलते हुए, पहले गेंद पे पहला रन आता हुआ यहाँ पर पाकिस्तान के लिए। प्रेशर में रहेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग होता हुआ, इसीलिए मैं उसको रिक्लीन करके आया हूँ। अभी यॉर्कर गेंद और एक, और ये गेंद जाती हुई, ओ भाई स्टंप के बाहर, फील्डर मौजूद और विकेट। यह हुई है बात, बहुत ज़बरदस्त वापसी इंडिया की, पहले गेंद के बाद लगे था अभी जीपीजे बॉयज़ कुछ नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर नए बल्लेबाज आते हुए पाकिस्तान की तरफ से, एक रन पर एक विकेट, बहुत ही घटिया यहाँ पर पाकिस्तान भी खेलती हुई। जिस तरह से इंडिया ने स्टार्ट किया था मेरे ख्याल से वैसे पाकिस्तान को भी करना चाहिए था, लेकिन अभी हौले से धीमे से खेलना होगा उनको, समझदारी से लेना होगा अपनी मैच को। मोबाइल बहुत गंदा लैग करता हुआ यहाँ पर। ओके एयरटेल थैंक्स ऐप मेरे को बोलता हुआ कि चल निकल, पहली फुर्सत में निकल, और फील्डर ने चौका छोड़ दिया भाई, मोबाइल हैंग होता हुआ यहाँ पर, और 4 रन जीपीजे बॉयज़ को भुगतने पड़ रहे हैं यहाँ पर। कोई नहीं, जीपीजे बॉयज़ ट्राई करेंगे कि उनका बेस्ट दे, फुल फास्ट बॉल और अंदर की तरफ आता हुआ, और ये यॉर्कर डालने की कोशिश, और ये यॉर्कर डाला है और प्लेट कर दिया 1 रन के लिए। मेरे ख्याल से मिस फील्ड नहीं होती तो ये सबसे अच्छी ओवर हो सकती थी इस टीम की, बट अभी कोई नहीं हो सकता। अभी वो ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉट डिलीवरीज ले आए अपने लिए, अपने टीम के लिए। और ये फिर एक बार सटीक यॉर्कर था, लेकिन फिर बैट्समैन ने उससे कई ज़्यादा मेहनत करके, और ये रनआउट का चांस, रनआउट हो सकते थे, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट बोलते हुए पहली फुर्सत में बाहर निकाल दिया है। अभी और एक मैच, ओ भाई बॉल गेंद डिलीवरी, फिर एक बार यॉर्कर डालने की कोशिश, गेंद बाहर से अंदर आएगी, ओ बल्लेबाज को ये बता है, ओ भाई रनआउट, रनआउट के चांसेस बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अंपायर ने यहाँ पर घूस खा ली है भाई, क्या ही बताओ। अभी एक ओवर में चाहिए बहुत ज़्यादा रन, देखना सारे के सारे बॉल डायरेक्टली स्टंप के अंदर आते हुए, एक भी गेंद बिल्कुल स्टंप पे मिस नहीं किया। और यहाँ पर मेरे ख्याल से आना चाहिए राइट आर्म, और अभी फिर एक बार फास्टर्स को लाए हैं, यानी कि कुछ अलग करने की कोशिश, और इसी कोशिश में मेरे ख्याल से यॉर्कर फिर एक बार, और ये बिल्कुल सही गेंद थी, लेकिन क्लियर ना होने के कारण चौका जाता हुआ यहाँ पर। 6 रन में 6 बॉल्स में चाहिए 17 रन, बहुत ही खतरनाक वाला ये मैच होता हुआ, जितना रोमांस होना चाहिए था उतना रोमांचक ये मैच हो रहा है। और ट्राई करेंगे अभी ये अंदर लाने का, बॉल अंदर लाने की पूरी कोशिश, और ये यॉर्कर, ओ भाई यहाँ पर ये बहुत बुरा होता हुआ, 2 रन 2 बॉल में ही पूरी मैच कवर कर डाली है।
तो मेरे ख्याल से अभी कुछ अलग ट्राई करेंगे। हाँ तू एक काम कर, तू वाइट बॉल डाल दे लेकिन छक्का मत जाने दे मेरे भाई। तो ओके अभी फिक्स हो चुका है क्या करना है। और यहाँ पर फिर एक बार गेंद डालते हुए जीपीजे बॉयज, सटीक गेंद थी बिल्कुल फील्डर के हाथ में आ गई। अभी 3 बॉल में चाहिए 7 रन। ओके अभी ये कुछ अलग हो सकता है ये गेंद, और ये प्लेट कर दिया है। यहाँ पर फील्डर है मौजूद पर रन आउट का चांस, और रन आउट नहीं हो पाए। यहाँ पर जल्दी भाग गए, थोड़ा सा ज़्यादा उन्होंने ट्राई किया अपना बेस्ट देने का। अभी आखिरी के 2 गेंद, 2 गेंदों में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ओके 2 गेंदों में देखते हैं अभी क्या, और ये कैच हो सकता है, हो गया। क्या शानदार कैच, जबरदस्त। आखिरी गेंद का प्रेशर बहुत ज़्यादा उठा हुआ है इंडिया पे, बहुत ही ज़्यादा। इस बॉल पे कुछ भी हो सकता है। अभी नए बैट्समैन रहेंगे स्ट्राइक पर, 2 गेंदें नहीं, एक ही गेंद बाकी है मेरे भाई। आखिरी बॉल का डिसीजन कुछ ज़्यादा ही होता हुआ है यहाँ पर, मेरे को पॉज करना पड़ा है। आखिरी गेंद का रोमांच बहुत ही ज़्यादा है, ये रोमांच मेरे ख्याल से अभी फील्डर को बहुत ज़्यादा तंग करने वाला है। और ये गेंद भी मेरे ख्याल से ऐसी ही होनी चाहिए थी। और ये देखिए गेंद आ रही है यहाँ से, ट्राई कर रहे बिल्कुल बेस्ट। ओ भाई वाइड जाता हुआ गेंद, यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता हुआ बॉल पे, बॉलर बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहे ये। ओके ट्राई कर रहे अपना बेस्ट, और ये वाइट हो गया है शायद मेरे ख्याल से गेंद, और ये छक्का हो सकता है। फील्डर तैनात, फील्डर ने बॉल पकड़ लिया है, यहाँ पर बॉल वापस फेंक दिया है और आउट नहीं हुए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से टीम इंडिया ने मैच ज़रूर जीत लिया है, यहाँ पर बिल्कुल सही मैच जीत लिया है 2 रनों से। यहाँ पर बहुत ही रोमांच वाला मैच होता हुआ, क्या रोमांचक मैच था, क्या मैच था बिल्कुल। आखिरी गेंद तक जीतने की ख्वाहिश कोई नहीं, वेल डन पाकिस्तान, बहुत सही खेले आप। लेकिन इस बार इंडिया हो चुका है पाकिस्तान पर भारी, बहुत सही वाली बात होती हुई यहाँ पर, सब हाथ मिलाते हुए यहाँ पर बिल्कुल सही। अच्छे खेले, अच्छे खेले, लेकिन जीते जीते कोई सीन नहीं, कोई सीन नहीं। जीपीजे बॉयज यहाँ पर हाथ मिलाकर जाते हुए, और जीपीजे बॉयज यहाँ पर मैन ऑफ द मैच बनते हुए, भाई लोग क्या ही बताऊँ। 1 विकेट लिए, 18 रन किए हैं, क्या ही सीन, जबरदस्त। यहाँ पर डोंट आस्क मी अगेन भाई, निकल पहली फुर्सत में निकल, और इसी के साथ इंडिया जीत चुका है ये मैच। अगले मिलते हैं भाई लोग, अगर किसी को पसंद आया तो लाइक करना यार, कमेंट में मेरे को बताना मेरे को और क्या करना पड़ेगा इसके लिए। तो मिलते हैं यार अगले ऐसे ही वीडियो में या फिर लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे को कमेंट में बताना भाई लोग कैसा लगा वीडियो।